अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेबिन किचन। आज की हमारी रेसिपी है बेकरी स्टाइल के कड़क पाव, जो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची है। ओवरसीज़ कंट्रीज़ में ये कड़क पाव कहीं भी बेकरी में अवेलेबल नहीं होता है। अगर हमें खाना है तो खुद ही घर में बनाना होता है। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ मेरी रेसिपी। 2 कप मैंने मैदा लिया था, लेवल में 1 टेबल स्पून है ड्राई ईस्ट, 1 टीस्पून शुगर है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप मैंने ल्यूक वार्म वाटर लिया है, ल्यूक वार्म होना बहुत ज़रूरी है। इसी से हम आटा गूंद लेंगे। जिस तरह से नॉर्मल आटा हम गूंदते हैं उसी तरह से हमने इसे गूंदना है। बीच बीच में थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और एक सॉफ्ट सा इसका डो हम तैयार कर लेंगे। 1 टीस्पून ऑयल लिया है मैंने, ऑयल डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। अब हम इसे 15 मिनट्स के लिए राइस होने के लिए छोड़ेंगे। 15 मिनट से ज़्यादा इसे नहीं छोड़ना है हमने, क्योंकि हमने इसके कड़क पाव बनाना है। 15 मिनट्स हो चुका है, हमारा डो थोड़ा सा राइज हुआ है, बस इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए था। इसे दोबारा से हम निकाल लेंगे और एक फ्लैट सरफेस पे हम दोबारा से इसे नीड कर लेंगे 5 मिनट के लिए। नरम पाव और कड़क पाव में सिर्फ यही फ़र्क होता है, नरम पाव का जो टाइमिंग है राइसिंग का वो ज़्यादा होता है और कड़क पाव का थोड़ा कम होता है। इसे अब हम डिवाइड कर लेंगे 6 पोर्शन में। आप 8 भी पोर्शन बना सकते हैं, लेकिन कड़क पाव का जो साइज़ होता है थोड़ा सा लार्ज होता है, इसलिए मैंने 6 पोर्शन में डिवाइड किया है इसे। एक एक पेड़े को उठा के पीछे से टक करेंगे और फिर टाइटली हम रोल कर लेंगे। एक ट्रे को ग्रीस करके इसमें सारे पेड़े हम रख देंगे, थोड़ा थोड़ा गैप मेंटेन करेंगे। इसके बाद हमने इसे भी छोड़ देना है 25 मिनट्स के लिए सेकेंड प्रूफिंग के लिए। 25 मिनट्स में ही ये अच्छे से राइज हो जाएगा, साइज़ में डबल हो जाएगा। अब हमने इसे इस पर वाटर अप्लाई करेंगे। आप दूध से भी कर सकते हैं, लेकिन पानी से करने से थोड़ा सा हार्डनेस आएगी, इसलिए पानी से मैं कर रही हूँ। और एक तरफ मैंने ओवन भी प्री हीट करने के लिए रख दिया है। 250 डिग्रीज़ पे हम इसे बेक करेंगे। 25-30 मिनट्स हमने इसे बेक करना है। इन बिटवीन आप इसे चेक भी करते रहिएगा ओवन को कि किस तरह से इसका कलर आ रहा है। 28 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा पाव बिल्कुल रेडी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपको थोड़ा और कलर डार्क चाहिए तो आप 5 मिनट्स के लिए इसे और बेक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने कोई बटर या ऑयल कुछ भी नहीं लगाना है, इसे ऐसे ही रखेंगे और सिर्फ 5 मिनट्स के बाद आप टर्न कर दें ताकि इसका जो बैक साइड का जो पोर्शन है वो गीला ना हो हीट से। तो अब मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ। जो हमारे बेकरी स्टाइल के पाव बिल्कुल रेडी है, इतने क्रिस्पी और क्रंची है, इसका बैक साइड का भी कलर बहुत अच्छा आया हुआ है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आज का ब्रेकफास्ट था हमारा फ्राइडे का, चाय का 1 कप हो, बटर हो, जैम हो, कड़क पाव हो, तो नाश्ते का मज़ा ही अलग है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।